स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको ऑटोमेटिक अपडेट मिलता रहेगा जब भी कोई वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.4। फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग ऑफ लॉन्ग डिविजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। फर्स्ट सम है 13/3125। चलिए इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सम 13/3125 सम है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर dr, डिनोमिनेटर कितना है 3125 है डिनोमिनेटर, ठीक है 3125। ये यदि हम क्यूब में इसका एलसीएम निकालें तो कितना आएगा 5 to the power 5। मकसद ये है कि हमें डिनोमिनेटर का को एक्स टू द पावर एम के फॉर्म में लिखना है, तो हमने लिख दिया 5 to the power m या 5 to the power 5 के फॉर्म में, ठीक है। तो अब डिनोमिनेटर यदि हम आरा इस फॉर्म में हो तो क्या ये एक्सप्रेशन जो होगा टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, हर एक सम का यही रूल है। तो हेंस द डेसिमल एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। इजी है। नेक्स्ट सम है 17/8। तो 17/8 तो dr हो गया, डिनोमिनेटर हो गया 8 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 3 के फॉर्म में। तो हेंस ये फॉर्म में लिखा जा सकता है 2 to the power 8 के फॉर्म में, हेंस टर्मिनेटिंग 7/8 इज इक्वल टू टर्मिनेटिंग मीनेटिंग। लंबा सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं, आप लोग हमेशा इस फॉर्म में आंसर को लिखिएगा, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी इसको वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी इसे लिखता हूँ। तो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। फिर थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड का क्वेश्चन है, फटाफट देखिए 60/455। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर dr इज इक्वल टू 455 है, इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम क्या होता है 5 × 7 × 13। तो अब इसका डिनोमिनेटर क्या है, सिंस dr इज नॉट इन द फॉर्म of 2 to the power m × 5 to the power n, इस फॉर्म में तो है नहीं, इट ऑल्सो contains 7 and 13 as a factors as
नहीं, एज फैक्टर्स, तो इसको क्या लिखेंगे, इट्स डेसिमल एक्सप्रेशन विल बी देयरफॉर इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, थर्ड हो गया, फोर्थ का क्वेश्चन देखते हैं. 15 अपॉन 1600, इसका डिनोमिनेटर लेते हैं कितना है 1600, इसको 2 to the power 6, 5 to the power 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है. सिंस डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m इंटू 5 to the power n, देयरफॉर 15 अपॉन 1600 इज टर्मिनेटिंग. तो रूल क्या हो गया, इस फॉर्म में यदि हो आपका 2 to the power n इंटू 5 to the power n के फॉर्म में यदि कोई एक्सप्रेशन हो, डेसिमल एक्सप्रेशन हो, उसका डिनोमिनेटर हो, तो वो टर्मिनेटिंग है, वरना नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. अच्छा, फिफ्थ वाला, फिफ्थ का क्वेश्चन देखिए, 29 अपॉन 343, तो इसका डिनोमिनेटर कितना हो गया, डी आर इज इक्वल टू 343 इज इक्वल टू 7 to the power 3. अब देखिए, सिंस इसमें लिखेंगे, सिंस डी आर डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म 2 to the power m इंटू 5 to the power n, हाँ, या इसको पहले तो 5 to the power n, तो हम क्या लिखेंगे, therefore 29 upon 343 is non-terminating, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीटिंग भी लिख सकते हैं. अच्छा, क्वेश्चन नंबर सिक्स का क्वेश्चन है, 23 upon 2 to the power 3, 5 to the power 2, तो इसमें लिखिए 23 upon 2 cube into 5 square. इसको जब लिखेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर कितना हो गया, dr इज इक्वल टू 2 cube into 5 square इज इक्वल टू 2 to the power m, 5 to the power multiplied by 5 to the power n, therefore 23 2 to the power q 5 square is terminating. ये हो गया. अब सेवेंथ का क्वेश्चन देखते हैं. सेवेंथ का क्वेश्चन दिया हुआ है 129 upon 2 square 5 to the power 7, 7 to the power 5. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो 129 देखिए, इसको 129 upon 2 square into
5 to the power 7 into 7 to the power 5, ये हो गया. नेक्स्ट इसको क्या कीजिए, सेंस. अब इसका डिनोमेटर, डिनोमेटर 2 स्क्वायर 5 7 7 5 इतना हो गया. तो सेंस डी आर इज इन द फॉर्म फॉर्म ऑफ not in the form is not in the form of 2 to the power m multiplied by 5 to the power n and it also also has 7 as its factor the decimal expression or expansion of 129 upon 2 square into 5 to the power 7 into 7 to the power 5 is non-terminating repeating. ये हो गया. उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 6/15, तो 6/15, तो डिनोमिनेटर कितना हो गया, 15 हो गया. डिनोमिनेटर 15 को हम लिख सकते हैं, नहीं इसको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो उसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना जरूरी होता है, ठीक है. ये 3 कट गया, तो 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, एलसीएम निकाल के लिख देंगे. अब 2/5 हो जाएगा. अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अब डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या है, 5 है. तो सेंस डी आर is or denominator is in the form 5 to the power m, therefore 6/15 is terminating. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद नाइन्थ का क्वेश्चन देख लीजिए. नाइन्थ का क्वेश्चन है 35/50, तो 35/50, इसको ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले लाएंगे. तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 5 × 7 लिख सकते हैं 35 को, और 50 को 5 × 10 लिख सकते हैं, 5 कैंसिल हो गया, और 7 को हम लिख सकते हैं 7/10 हो गया. तो 7 और 10 को क्या लिख सकते हैं, तो डिनोमीटर क्या हो गया, डिनोमीटर इज इक्वल टू 10. 10 को लिखा जा सकता है 2^1 और 5^1 के फॉर्म में. सिंस डी आर डिनोमीटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2^ m एंड नहीं इन टू 5^ n, therefore it is terminating. इतना हो गया. फिर टेंथ का क्वेश्चन है 77/210,
ठीक है, तो 77 अपॉन 210, इसको लिखिए 7 × 11, 7 × 11 हम लिख सकते हैं, 7 × 11, 210 को क्या लिख सकते हैं, 210 को लिखा जा सकता है 30 × 7, 7 7 गेट्स कैंसल, ठीक है, तो 11 अपॉन 30, ठीक है, 11 अपॉन 30 हो गया। अब डिनोमिनेटर देखिए, डी आर इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 2 × एलसीएम निकालिए, 2 × 3 × 5, ये हो गया। तो ये सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म फॉर्म 2 to the power m × 5 to the power n, एंड इट ऑल्सो हैज 3 as a factor, फैक्टर 3 as a factor, देयरफोर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 277/210 इज नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये 10th क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो जो लोग जो टर्मिनेटिंग है उनका डेसिमल एक्सपेंशन करके दिखाना है क्वेश्चन नंबर 1 के। ठीक है, चलिए, तो जो जो टर्मिनेटिंग है, सबसे पहला टर्मिनेटिंग कौन सा आया था हमारा, 13 अपॉन 3125, आपको यदि याद है तो इसका करके देखिए, 3125 जस्ट डिवाइड करना है को किससे, 13 से। हाँ, तो पहले ये जाएगा नहीं, 0, ये फिर आप एक 0 बता रही है, फिर इसका कितना हो जाएगा 130, फिर भी जाएगा नहीं, एक 0, फिर आपका यहाँ पे एक 0 आ गया, फिर और एक 130 आएगा यहाँ 0, 1300 फिर भी नहीं जाएगा, एक 0, फिर एक 0 डालिए। हाँ, तो यहाँ फर्स्ट 0 आया डेसिमल के लिए, सेकंड 0 आया ये वाला 0, और थर्ड 0 अभी आएगा इस वाले के लिए, तो 13000 हो गया। ठीक है, अब ये जाएगा 13000 कितने से जाएगा, 4 से जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12500। अब इसको इसका माइनस कीजिए, 5000 हो गया, 500 हो गया, एक 0 उतरा, तो अब किससे जाएगा, 1 से जाएगा, 3125, 3125, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आएगा, 1875 आएगा, एक 0 और बैठा दिए तो यहाँ पे कितना, अब 6 से जाएगा तो कितना हो गया, 18750, अब ये कट गया, तो एक मैं करके दिखा दिया, ये आंसर हो गया 00416। ठीक है, बाकी इसी तरह जो जो टर्मिनेटिंग है उनका डिवाइड करके आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सप्रेशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। ठीक है, ये 3 एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो चलिए फर्स्ट का देखते हैं, उसके बाद सेकंड का, उसके बाद थर्ड का, एक एक करके। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 43.12345678 9, तो ये देखिए, ये
सिंस दिस नंबर, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या खत्म हो गया है ना डेसिमल के बाद, हाँ तो इज टर्मिनेटिंग मीनेटिंग डेसिमल, यहाँ पे हैज लिखेंगे, हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इट इज अ रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हो तो एक्सपेंशन हो तो इट इज अ रैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल रैशनल नंबर, ठीक है, ये रैशनल नंबर है। ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, ठीक है, एंड Q इज इन द फॉर्म 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर m, ठीक है, दैट इज The prime factors of Q, the prime factors of Q will be either 2 or 5 or both. क्लियर है? उसके बाद सेकंड वाला देखते हैं, ये हो गया फर्स्ट का, अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड का क्वेश्चन है पॉइंट 120, फिर 1200, फिर 12,000, फिर 1,20,000, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, सेकेंड का नंबर दिया हुआ है 0.120, फिर 1200, फिर एक एक जीरो बढ़ता जा रहा है, फिर चार जीरो हो जाएंगे, इस तरह से ये चलता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, नॉन एंडिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है। द डेसिमल एक्सपेंशन is non-terminating, ठीक है। तो therefore हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और क्या है, एंड रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो एंड नॉट रिकरिंग, एंड नॉट रिकरिंग, ठीक है, या नाइदर नॉन टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो देयरफॉर द गिवन नंबर इज इरेशनल, द गिवन नंबर इज इरेशनल, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर थ्री का ये क्वेश्चन देख लीजिए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, गिवन नंबर रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, तो सिंस द गिवन नंबर नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स ये इसका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। रिकरिंग मीन्स ये बार बार रिपीट हो रहा है, मीन्स क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद फिर से रिपीट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर रिपीट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब वही होता है, रिपीटेशंस होती है। द गिवन नंबर इज since the given number is not terminating recurring, therefore the given number of the form P upon Q and Q is not in the form 2 to the power m into 5 to the power n. That is, the prime factors of Q will always be the factor other than ठीक है, Q is not in the form इतना। तो prime जो prime factors होंगे वो 2 और 5 को छोड़ के दूसरे prime factors होंगे, ठीक है। prime factors of Q तो इसको लिखे या न लिखे कोई बात बराबर, हमने लिख दिया यहाँ पे, Q is not in the form of 2 to the power m, 5 to the power n, मतलब Q का जो prime factors होगा, सभी prime factors हो सकते हैं लेकिन सिर्फ 2 और 5 को छोड़ के, ठीक है। तो ये हो गया आपका description। तो ये exercise आपका यहीं पे समाप्त होता है। तो आज का class भी हम यहीं पे exercise साउंड करने के बाद इसे इस क्लास भी समाप्त करते हैं, ठीक है। आज का क्लास को समाप्त करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे YouTube चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, इससे आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको ऑटोमेटिक अपडेट मिलता रहेगा जब भी कोई वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो, इस शुभकामना के साथ हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।